सबसे बढ़िया रेनकोट संतोष गुप्ता जी के दुकान से न लेते हुए। रास्ते में पानी हो रहा है और हमारे अजय भैया जो है ये पोशाक पहने हुए हैं, गाड़ी को ढक दिए हैं, और विनोद भैया जो है उनको स्टेपनी के रूप में जो है बरसाती को लगाए हुए हैं। तो यही देखिए प्रसाद बरसात में वादियों में जो है ऐसे ही पानी होता है और रास्ते में जो है बरसाती पहनना पड़ता है। सब आदमी बरसाती पहन लिए हैं, कहियो कतो निकलो के ललवा पे के लोग के कोनो दिक्कत भेल ई दुजनिया भोगले आराम से। और पहाड़ के वादियों का सुंदर दृश्य बेतनी आ चुके हैं। 5:30 सुबह में हम लोग कटारी से बेतनी के लिए निकले हैं और 7:30 के दरमियान जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और रास्ते में पानी यहाँ पर जो है होते रहता है और यहाँ का मौसम जो है काफ़ी सुंदर दृश्य आप लोग देखे होंगे और सुने भी होंगे। यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना मौसम रहता है और ठंडा वातावरण है। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी माइंड जो है आपका जो है बादल में है, समझिए बादल में है, और चारों तरफ जो है एकदम कुहासा, घना कुहासा लगा रहता है। कुहासा नहीं है, ये बादल है। बादल है हाँ। अच्छा हाँ, अपने तरफ जो है ठंडा में कुहासा हाँ, कुहासा बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन ये बादल बादल है। और इस बादल के जो पहाड़ के वादियों का दृश्य है काफ़ी सुंदर दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए हम लोग जो है आते हैं और हलेसी प्रस्थान करते हैं। और हलेसी जाते हैं तो यह जो यहाँ पे जो आते हैं तो काफ़ी जो है ठंडा वातावरण है यहाँ का। और जो गर्मी, जो गांव में जो गर्मी जो इतना भयंकर गर्मी लग रहा है, इस गर्मी से हम लोग को जो है राहत काफ़ी मिलता है। और यहाँ का जो पानी है, झरना का पानी जो है पूरा जो है बहुत अच्छा पानी रहता है। जितना भी आप खाना खाइएगा सब जो है डाइजेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। और सुमन बाबा जो है इस बार काफ़ी प्लान बनाए थे, पिछले 2023 से ही 2022 में हम लोग के साथ आ चुके थे और पशुपतिनाथ दर्शन करके जो है हम लोगों को छोड़ के बाबा जो है सीधे पशुपतिनाथ जो है दर्शन करने के लिए चले गए थे। और इस बार हम लोग प्लान बनाए हैं जो साथ में जो है पशुपतिनाथ चलेंगे और एक बार जो है वहाँ पे काठमांडू में जो पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है दर्शन करेंगे। और सभी लोग काफ़ी विचार करके आए हैं और यहाँ पर हलेसी में जो है कल महादेव जी का जल अभिषेक करने के बाद जो है कल जो है काठमांडू के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। और सभी लोग जो है हम लोग अभी बेतनी में हैं और बेतनी से जो है हम लोग अब जो है निकल रहे हैं। काफ़ी सुंदर बेतनी का दृश्य देखने को मिलता है क्योंकि बेतनी में चारों तरफ जो है यहाँ पर बादल जो है घना बादल लगा रहता है और मौसम काफ़ी ठंडा, यहाँ का एकदम शांत मौसम जो है यहाँ पर रहता है। सीधे हिमालय से यहाँ का डायरेक्ट लिंक है और यहाँ पर बरसात भी हो रहा है। हम लोग रास्ते में जो है पानी में भींग के यहाँ पर बेतनी पहुँचे हैं और यह सुबह सुबह का दृश्य है। चारों तरफ जो है अब यहाँ पे तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ी सब जो है लगा हुआ है। नमस्कार। और पदमा से हलेसी के लिए हम सब प्रस्थान जे थे शनि के शाम में जैसे यहाँ के 5:00 मारेर भंसार से प्रस्थान के लिए और रात में कटारी में हम सब 7:30 से यहाँ के विश्राम के लिए 5:30 भोर में कटारी से जैसे यहाँ के निकल लिए। 6:30 बेतनी हम सब आबि गेलिए और बेतनी से हम सब घुरमी के लिए जैसे हम सब जा रहल छी। रास्ता बहुत खराब छै पहले से कियाकि रोड अहाँ के पूरा टूट गेल छै। कटारी तक अहाँ के रास्ता बहुत सुंदर से बनल, अहाँ के कटारी अब तो बुझबो नहीं करबे जे हम कटारी पहुँच गेलिए। और कटारी के बाद जैसे अहाँ के रास्ता जैसे जेहन नहीं होबाक चाहिए तेहन छे रास्ता। और पहाड़ के एहिठमन एला से जे भी आदमी के प्रेशर रहे छे वो पूरा प्रेशर अहाँ के फ्री होय छे। शंभू कुमार सिन्हा जी हमरा बीच में कमेंट केने रहा जे बेतनी जाओ, बेतनी में जैसे जाब तो जैसे अहाँ के शांति मिलत। तो बेतनी में हम सब छलिए रुकल और एहिठमन के अयला के बाद जे छै पूरा शांति छै कियाकि काफ़ी ठंडा मौसम रहे छै, नहि एहिठमन एक औरती गर्मी के एहसास से और नहि कोनो तरह के बेचैनी और पूरा तरह से जैसे मूड फ्रेश कहबे। और बरसात जे छै रास्ता में सेहो एहि रास्ता में होइ छै, रोड पूरा खराब छै। और हम लोग जो है बेतनी के रास्ते में है, यहाँ पर बरसात हो रहा है। हलेसी
आने के लिए जो है सब आदमी को जो है बरसाती जरूर चाहिए, और कब यहाँ पर पानी हो जाए कह नहीं सकते हैं। और कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया था, हम लोग यहाँ पर आधा घंटा इंतजार किए हैं, तब जाके जो है यह गाड़ी जो है ठीक हुआ है। और कारी भैया जो है हम लोग के साथ जो है चौथा पांचवा बार कारी भैया जो है हलेसी यहाँ पर आए हैं। 2017 से ही कारी भैया हम लोग के साथ में आ रहे हैं, और जब जब हम आते हैं जो कारी भैया को छोड़ते नहीं है, गाड़ी का मिस्त्री है और हम लोग मिस्त्री को साथ में लेकर चलते हैं। राजदेव सर आपका यह दूसरा है, मेरा दूसरा है, और इस बार का सफर जो है कटारी के बाद जो है काफी रास्ता जो है खराब है, और यह पहाड़ बहुत अच्छा रास्ता है। रास्ता तो अच्छा है मगर रोड खराब है सर जी, रोड खराब है। यह पहाड़ के वादियों का दृश्य है, हम लोग पानी में भीग रहे हैं अभी। बरसाती पहने हैं ना, चलिए ना, जान बचेगा तो बहुत ही उपाय है सर। बरसाती लिए है, लेकिन बरसाती लिए हैं तो वाटर प्रूफ है ना सर, इसमें पानी नहीं जाएगा। बरसाती लिए है, पानी फट गया नहीं, ठीक है, प्लास्टिक सामान है ना सर, प्लास्टिक सामान जो है गड़बड़ हो गुप्ता थे। और घुर्मी के बाद रास्ता काफी अच्छा है, अभी दूधकोसी जो है नदी जयराम घाट के लिए हम लोग जा रहे हैं, सुनकोसी अभी पार किए हैं, और इधर का रास्ता जो है बहुत ही अच्छा है। बीच में करीब 50 किलोमीटर रास्ता काफ़ी ख़राब था, काफ़ी सुंदर यह दृश्य है पहाड़ के वादियों का। हीले पानी 3 किलोमीटर है, अभी हीले पानी के बाद जो है जयराम घाट में थोड़ा देर जो है विश्राम करेंगे, उसके बाद जो है सीधे हलेसी के लिए प्रस्थान करेंगे, और हलेसी के बाद जो है डिकटेल भी जाएंगे। डिकटेल का दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे जो कैसा दृश्य है। यह जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं यह हलेसी जाने वाला रास्ता है, और कटारी से जो बेतनी का जो रास्ता है काफ़ी रास्ता ख़राब है, और इसी रास्ते में हम लोग अभी जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, यहाँ का सुहाना मौसम है, चारों तरफ जो है बादल छाया हुआ है, और थोड़ा थोड़ा पानी का बूंद भी हो रहा है। यह हलेसी का चौथा बार हम लोगों का जो है तीर्थ यात्रा, हलेसी महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से रास्ता जो है बरसात में उथल पुथल हो गया है, काफी रास्ता खराब है, और इसी रास्ते से होकर आप हलेसी का रास्ता जो है तय किया जाता है। चारों तरफ जो है बादल लगा हुआ, एकदम ठंड कुहासा का मौसम है। पहाड़ के वादियों का यह सुंदर दृश्य है, यह वादियों का दृश्य जो है मन को पूरा तरह शांत कर देता है, और यहाँ पर जो है पूर्णतः जो है सुकून यहाँ पर दिल को मिलता है। चारों तरफ जो है घना बादल लगा हुआ है, और बूंदा पानी का बूंद भी गिर रहा है। यह खाई है, और इसके नीचे जो है पूरा पहाड़ है। और एठमन जैसे यहाँ के पहाड़ जैसे यहाँ के बरसात में छले गिर पड़ल, जकरा रास्ता ऐसे बना के चालू कल के, क्योंकि एठमन पूरा ऐसे पहाड़ जैसे यहाँ के बरसात में जैसे यहाँ के डैमेज भगल छले, क्योंकि बरसात में जैसे एठमन पहाड़ जैसे बेसी यहाँ के गिर पड़े छे, और ऐसे पहले यहाँ के 2019 में एनाती रास्ता बंद भगल रहे, बहुत आदमी गाड़ी के ठेल ठेल के जैसे यहाँ के हलेसी
गाल रहे यहाँ के। ये रास्ता जैसे पहाड़ के गिरला से चौड़ा भेल छे और पहले एहन चौड़ा नहीं छलै एहिठमन। ऊपर अहाँ के मशीन सब लागल छे और रोड बना रहल छे। देखियो कोन तरह से पहाड़ जे छे अहाँ के ढहल छे और एहिठमन के रोड जे छे अहाँ के रास्ता अवरुद्ध छे। रोडे बना रहल छे बाबा, काट के रोड रास्ता आगू बंद केने छे, बुझलिए कि नहीं। आब हम सब जे छे घुरमी के रास्ता में छी। एहिठमन जे छे पहाड़ जे ढाला से एहिठमन तीन तीन टा मशीन लागल छे, एकटा उपरो में मशीन छे, रास्ता के जे छे निर्माण भ रहल छे। एहिठमन जते हम सब साथ में आयल छे सब आदमी एहिठमन रुकल छे, रास्ता आगू बंद छे ताहि दुआरे। पोपलिन मशीन से रास्ता जैसे अहाँ के तीन तीन टा मशीन एहिठमा लागल छे रास्ता के फ्रेश कर रहल छे। और ऊपर में जे गाछ छले ओहु गाछ के जैसे मशीन जे छे गिरा देलके।